पार्ट पांच, येसु भाग दो। सभी संतों की पवित्रता उन लोगों की याद दिलाती है जो हमसे पहले चले गए और अब हमेशा और हमेशा के लिए जीवित मसीह की उपस्थिति में है। हमेशा के लिए दिव्य मसीह की महिमा, पवित्र त्रित्व की महिमा करते हैं। हम भी इस लक्ष्य को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, जिससे कि हम अपने जीवन के अंत में संत पॉल के साथ कह सके, मैंने अच्छी लड़ाई लड़ी है, मैंने दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास रखा है। यीशु सब जानता है, सब देखता है, जो आपने कभी किया है वह सब कुछ जिससे आप गुजरे हैं, और उन सब के बीच से वह तुम्हें पुकारता है, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें क्षमा कर दूंगा। मैं तुम्हें हर दिन के उजाले के साथ जीने के लिए अनुग्रह दूंगा। मैं तुम्हें जीवन जीने के लिए मजबूत करूंगा। यीशु मार्ग, सत्य व जीवन। यीशु ने संत थॉमस से कहा, मार्ग और सच्चाई और जीवन मैं ही हूं, मेरे सिवा कोई भी पिता के पास नहीं जा सकता। मसीह जीवन जीने का एक तरीका है। हमें एक ऐसा जीवन जीने के लिए बुलाया गया है जो परमेश्वर की महिमा कर सके और हर चीज में उसकी स्तुति करता है। जैसा कि संत योहन हमें याद दिलाते हैं, लेकिन अगर हम प्रकाश में चलते हैं जैसे ईश्वर प्रकाशमान है, तो हमारी एक दूसरे के साथ संगत है। अध्याय एक, वाक्य एक से सात पढ़े। मसीह न केवल सत्य है बल्कि स्वयं सत्य है। वह सच्चा परमेश्वर व अनंत जीवन है। एक भविष्यवक्ता के रूप में येसु ने परमेश्वर के पास जाने का मार्ग हमें सिखाया। येसु परमेश्वर के पास जाने का सच्चा मार्ग है। वह न्यायपूर्ण व सच्चा है। वह झूठे मनुष्य का विरोध करता है। येसु सच्चे मनुष्य के सारे दर्द, जख्मों के साथ उनसे बात करना चाहते हैं। वह हमें हमारे पापों से छुड़ाने और बुराई से बचाने की लालसा रखते हैं। मसीह वह जीवन है जिसे जीने के लिए हम में से प्रत्येक को बुलाया गया है। वे हमारे प्राकृतिक, आध्यात्मिक व शाश्वत रूप से हमारे जीवनदाता है। यीशु जीवन बदलता है। यीशु का अनुसरण करने वाले लोग अपने पापों से दूर हो जाते हैं। उसने शैतान को दूर भगाया। मरिया मगदलीना, लुकस अध्याय आठ वाक्य दो, वह एक समर्पित अनुयायी बन गई जिसने लोगों को बताया, यीशु मरे हुए में से जी उठे। यूहन्ना अध्याय 20 वाक्य 16 पढ़ो। जकरियस एक चुंगी लेने वाला जो लोगों से कर वसूलता था, उसने लोगों को धोखा दिया। प्रभु के सानिध्य में आने के बाद उसने अपना सब कुछ गरीबों को दे दिया। लूकस अध्याय 19 वाक्य 1 से 10 पढ़ो। जब यीशु के अनुयायी पवित्र आत्मा की शक्ति से भर गए, तब
वे यीशु के संदेश की घोषणा करने, चमत्कार करने और पाप मुक्त जीवन जीने लगे। लूकस अध्याय 10 वाक्य 1 से 20 पढ़े। लगभग 2000 वर्ष से यीशु मसीह लोगों के जीवन बदल रहे हैं। इसलिए यदि कोई यीशु मसीह में बना है तो वहाँ एक नई सृष्टि है, वहाँ आपकी जिंदगी भी बदल सकती है। यीशु आपको पापों से छुटकारा देगा। रोमियो अध्याय 6 वाक्य 22 आपके मन को नवीनीकृत करेगा। रोमियो अध्याय 12 वाक्य 2 और आपके पापों से यीशु आपको चंगा करेगा। थिस्सलुनीकियों अध्याय 2 वाक्य 16-17 पढ़े। क्या आप लोग यीशु को अपने जीवन में ग्रहण करने के लिए प्रार्थना करना चाहेंगे? मेरे जीवन में यीशु, यीशु की उपस्थिति में दोस्तों के साथ घूमना या एक साथ अच्छी फिल्म देखना एक ईसाई के रूप में ईश्वर की महिमा करने के लिए हम सब एकत्रित होकर बुलाए जाते हैं। यहाँ तक कि उनकी प्रशंसा करने की भी कोशिश करते हैं। संत पॉल हमें बताते हैं कि हम यीशु के गोद लिए बच्चे हैं। गलातियों अध्याय 4 वाक्य 5 देखें। हमारे पास अंतहीन गरिमा है क्योंकि हम परमेश्वर के स्वरूप और समानता में सृजन किए हैं। उत्पत्ति अध्याय 1 वाक्य 7 देखें। जो उनके साथ एक होने के योग्य है। कुछ को अपनी बुद्धि के माध्यम से ईश्वर से जुड़ना आसान लगता है, जबकि अन्य अपने दिनचर्या, अपनी सेवा व अपने परिवेश के माध्यम से ईश्वर से जुड़ते हैं, क्योंकि ईश्वर के करीब आना आसान नहीं है। हमें अपने जीवन में ईश्वर की आस्था व नियमों को शामिल करना चाहिए। उपवास, पवित्र आत्मा के आगमन की तैयारी व पेंतकोस्त के विशेष उत्सव को मनाना चाहिए। आप ईश्वर की रचना व प्रकृति का आनंद लेते हुए स्वयं को ईश्वर के करीब महसूस करते हैं। इसी प्रकार आप कला, संगीत, स्वादिष्ट भोजन, मादक गंध व नृत्य के माध्यम से भी स्वयं को ईश्वर की महिमा करने के लिए लीन करते हैं। यीशु विश्व के उद्धारकर्ता और मरियम के पुत्र। द प्रोटो इवेंजिलियम, जिनके द्वारा परमेश्वर ने आदम और हेवा के लिए घोषणा की कि वह एक अन्य पुरुष व महिला के माध्यम से छुटकारा लाएगा, यीशु के माध्यम से यह पूरा हुआ। प्रोटो एवेंजिलियम यह ग्रीक शब्द है। प्रोटोस का अर्थ है पहला और इंजिल का अर्थ है अच्छी खबर। यह सुसमाचार इस प्रकार अदन की वाटिका में सांप को परमेश्वर का कथन, मैं तेरे और स्त्री के बीच और तेरे वंश और उसके वंश के बीच बैर उत्पन्न करूंगा, बहुत तेरे सर पर वार करेगा और तू उसकी एड़ी पर वार करेगा। उत्पत्ति अध्याय 3 वाक्य 15 पढ़ो। आम तौर पर बाइबल में उद्धार के सुसमाचार के पहले उल्लेख के रूप में जाना जाता है। यीशु अपने जीवन के पथ पर एक स्थिर बच्चे से एक बड़ई के रूप में शांत जीवन जीने से लेकर विश्वासघात, मृत्यु व पुनरुत्थान, यीशु मसीह ने मानव इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया।
ईसा मसीह दुनिया के रक्षक है। यीशु को वास्तव में परमेश्वर का पुत्र कहा जाता है, क्योंकि वह परमेश्वर की ओर से आया है और उसे वास्तव में मरियम का पुत्र कहा जाता है, क्योंकि उसने अपनी मानवता को अपनी माता मरियम से लिया। मरियम, हम सब कह सकते हैं कि वह सचमुच परमेश्वर की माता है। इस कारण से धन्य माँ ने हमेशा ईसाइयों के दिल में एक विशेष स्थान रखा है। परमेश्वर के नियंत्रण के प्रति उनकी विश्वास योग्य प्रतिक्रिया।